कुछ भी नहीं होगी, लेकिन दोबारा यूपीपीएससी में धांधली पकड़ी गई। कब तक होगा, मतलब जो भी पकड़ा जा रहा हमें कुछ पता नहीं है, वो लोग उनका क्या कर रहे हैं, कौन है, वो लोग दोबारा एग्जाम देने आ रहे हैं, हमें कुछ पता भी तो होना चाहिए। हम तभी तो हम मतलब कैसे पेपर देने जा रहे हैं, लोग इतने देहरादून से लेकर लोग पिथौरागढ़ जा रहे हैं, चंपावत जा रहे हैं, लोग इतना खर्चा करके आ रहे हैं, फिर दोबारा तुम भेज रहे हो, मतलब लोग इतने कितने लोग मतलब गरीब गरीब से बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून आते हैं, अपना खर्चा कैसे ना कैसे करके करते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब वो प्राइवेट जॉब करके खर्चा कमाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। इन लोगों को क्या पता उस चीज़ का कि कितना कि लोग कैसे स्ट्रगल करके कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं इस बारे में पता। तो फिर क्यों करवा रहे हो, अगर पैसे ही चाहिए तो एक हम लोग एक मिडिल परिवार से आते हैं, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है। कल रात को भी देखा आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और हक मांग और मुझे लगता है कि हम हक मांगने से नहीं हक छीनने से मिलेगा। अब यहाँ पे वर्तमान समय मेरी चीज देख रहे हैं, ये हल्ला ये भीड़ ये कोई इत्तफाक नहीं है। इससे पहले आपने यूकेएसएससी के बारे में जो धरने प्रदर्शन हुए, जो घोटाले हुए, उनके बारे में वीडियो बीपीडीओ में सिलेक्शन हुआ वो इन्होंने रद्द कर दिया। बंदरगाह में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने फिजिकल करवाने के बाद लास्ट में एसटीएफ इसका उनकी जो पुलिस आज खड़ी यहाँ पर तैनात है, एसटीएफ सेग्रीगेशन नहीं कर पा रही है, पुलिस इनका अपना काम नहीं कर पा रही है, इससे साफ मंचान की जो झलक रही है ये किसी भर्ती को होने ही नहीं देना चाहते। कौन बोल रहे हैं? दूसरी बात, इनके सारे के सारे यूकेएसएससी के एग्जाम थे यूकेपीएससी को ट्रांसफर कर दिए गए। अच्छा अच्छा, यार तुम बदल बदल के नंबर से करते हो, इन एग्जामों को निष्पक्षता से करवाएगा। इसी आस में हमने अरे व्हाट्सएप क्या था, लेकिन मैंने सेव नहीं किया ना, मेरे पास तुम्हारा दूसरा नंबर है। पहला पेपर देते ही तीन दिन बाद हमें खबर मिलती है ये पेपर लीक था। 380 क्वेश्चन चतुर्वेदी जी और उनकी वाइफ के कहने पर ये बाहर हो गए थे। अब बाद में सूत्रों से पता चला है कि जेईई भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है और पीसीएस का पहला पेपर हिंदी का होता है और शॉर्टकट सातवां पेपर ये भी बाहर था। अब सर हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक किसी प्रकार की कोई परीक्षा हम नहीं देंगे और ना होने देंगे। लाइब्रेरी के चक्कर काटते परेशान हो गए, कोचिंग के चक्कर काटते परेशान हो गए, आखिर कितना पढ़े हम, और फिर बाद में पता चलता है अच्छे नंबर आने के बावजूद भी पता चलता है जॉब नहीं मिलेगी। इनको क्या लग रहा है, हम भीख मांग रहे हैं? भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि जब तक यहाँ पर सीबीआई जाँच नहीं होती हम नहीं चाहते कोई भी एग्जाम हो, सीबीआई जाँच होनी चाहिए ताकि जो ये लोग पैसा देने वाले हैं ना ये पकड़े जाए और इनको अंदर किया जाए, तभी हम यहाँ से। सबसे पहले पूरी यूके पे की जांच होनी चाहिए, उसके बाद परीक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों ने पैसा दिया है उन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उनको डिबार्ड किया जाना चाहिए, उनको दोबारा पेपर देने दिया जा रहा है। यूके डिप्लोमा के बच्चों को यूके पीएससी में पेपर देने दिया जा रहा है, जो यूके पीएससी में जो अभी पकड़े गए हैं वो दोबारा पेपर देने के लिए जा रहे हैं। जब हम यहाँ बैठ के तैयार हैं कि भाई हम एक महीने बाद के लिए तैयार हैं कि एक महीने बाद पेपर दे देंगे, हम दोबारा से प्रैक्टिस सेट देने जाने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे जी पेपर देने जाओ, कल को लीक हो जाता है क्या, हम प्रैक्टिस सेट देने इतनी दूर जाएंगे? इसलिए तो हम कोचिंगों में बैठ सकते हैं। आप कह रहे हो बसें फ्री कर दी हैं, यार बसें फ्री करिए, वहाँ रहना खाना फ्री थोड़ी है। वहाँ जाने के लिए अगर कोई यहाँ से चमोली आएगा चलो बस में चले जाएगा, वहाँ होटल कितने महंगे मिलते हैं, वहाँ रहने का खर्चा। अब एक स्टूडेंट अगर पेपर में दे भी देता है क्या क्या गारंटी है कि वो पेपर लीक नहीं होगा, क्या गारंटी है? एक नहीं कई सारे चतुर्वेदियाँ भरे पड़े हैं। में हुई भर्ती परीक्षाओं की धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बेरोजगारों का पूरा सड़कों पर उतरा हुआ है। देर रात से ये लोग की पार्टी धरने पर बैठे हुए थे, आज सुबह एक बार फिर ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं। सुबह से ही इनका जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, पूरे एक किलोमीटर के दायरे में आज युवाओं ने डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर पूरी तरह से आवाजाही ठप हो रखी है। स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से जाम, बाहर की सड़कों पर जाम लगा हुआ है। युवाओं की मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं में की धांधली की सीबीआई जांच की मांग करवाई जाए। इसके साथ ही जिन परीक्षार्थियों ने पेपर खरीदे थे उनको इस परीक्षा में न बैठने दिया जाए, साथ ही उनके नाम सार्वजनिक करे जाए। युवाओं का ये बेरोजगार संघ का ये भी कहना है कि देर रात जब वो लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए थे तो इनके साथ में कुछ महिलाएं भी थी, उस दौरान पुलिसकर्मी इन्हें उठाने के लिए आए तो उनमें से कुछ लोगों ने शराब पी हुई थी, जिसकी वजह से महिलाओं को बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। बेरोजगारों ने मांग करी है कि उन पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जाए। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एसएसपी और डीएम वार्ता करने के लिए आए थे, लेकिन युवाओं के आक्रोश को देखते हुए वार्ता नहीं हो पाई, शोर की वजह से वो इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन वार्ता में सफलता नहीं हो पाई है। अभी युवाओं का धरना जारी है, देर शाम तक जारी रहने के लिए।